बोर्ड पे देखना, चैप्टर का नाम न्यू चैप्टर है। आपके बुक में कोई भी चैप्टर हो सकता है, चैप्टर 13। और हमें तो बस एक कॉन्सेप्ट देखना है, हम सिर्फ ट्रायल बैलेंस सीखेंगे, हम लेजर के बारे में अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। हालांकि जो प्रोसेस होता है वो सबसे पहले हम जर्नल करते हैं, जर्नल जैसे ही कंप्लीट होता है हम आ जाते हैं लेजर पे, और लेजर जैसे ही कंप्लीट होता है उसके हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ये प्रोसेस होता है जिसमें से जर्नल हम कर चुके हैं, ठीक है। लेजर की मैं अभी डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट करवाना चाहता हूं आपको ट्रायल बैलेंस, क्योंकि 11th क्लास में ट्रायल बैलेंस में से एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा और बड़ा ही आसान होता है। आज चैप्टर खत्म हो शुरू होगा और आज ही खत्म हो जाएगा, इसमें कोई टॉपिक ही नहीं है ऐसा, बस समझने वाली बात है। तो आप अपने माइंड से ये निकाल देना कि हमें लेजर नहीं आता तो ट्रायल बैलेंस कैसे करेंगे, उसको माइंड से स्किप करना है। आप ट्रायल बैलेंस बना सकते हो, क्योंकि अगर आपको लेजर का आंसर दे दे तो हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं इजीली। अगर हमें लेजर का आंसर नहीं देता, जर्नल दे दे, तो ट्रायल बैलेंस के लिए पहले लेजर बनाओ, ठीक है। तो बेसिकली इसके थ्योरी भी जो है वो हम अलग क्लास में डिस्कस करेंगे जब थ्योरी का पार्ट आएगा हमारा। तो ट्रायल बैलेंस, अगर मेरे से पूछोगे सर ट्रायल बैलेंस क्या होता है, तो ट्रायल बैलेंस होता है हमारा बैलेंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का। जितने भी लेजर है उसके समरी को इसके अंदर डाल दिया जाता है, उसी को ट्रायल बैलेंस कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन सर, ट्रायल बैलेंस बनाते क्यों हैं? ताकि हमने जर्नल या लेजर में कोई मिस्टेक किया है तो उसको ढूंढ पाए यहाँ पे, यानी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का हमें यहाँ पता चल जाता है कि क्या गलती हमने करी है, और क्या कहाँ गलती करा है ये नहीं पता चलता है, डेबिट में करा है या फिर क्रेडिट में। बस इसको करना कैसे है, इसका सिंपल सा एक फॉर्मेट है, मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा है। इन दोनों पार्ट को मैं अभी बाद में डिस्कस करूंगा, अभी लिखा हुआ है यहां पे, लेकिन पहले एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन आपके सिंपल क्वेश्चन आता है, बिल्कुल ऊपर लिखना है आपको ट्रायल बैलेंस, और नीचे लिखना है एज ऑन, एज जो भी डेटेड है, इधर डेबिट और इधर क्रेडिट, और एक JF का कॉलम बना लो या LF का कॉलम बना लो, आपकी इच्छा है। ट्रायल बैलेंस में मेनली JF का होता है, इधर पर्टिकुलर। एक स्टूडेंट का क्वेरी आया सर इसमें डेट का कॉलम होगा? नहीं, डेट के कॉलम की जगह आप सीरियल नंबर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। देखो कितना आसान है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा आप ही जवाब दोगे उसका। मैंने सपोज करो आपको रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट मैंने बताया हुआ है। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट के मतलब क्या होता है, किस चीज को डेबिट करना चाहिए, किसको क्रेडिट करना चाहिए, और उसके अंदर उसका नेचर क्या है। नहीं, हमें अभी डेट का कॉलम, आपने पता नहीं कौन सा देखा है पॉइंट, ट्रायल बैलेंस के अंदर डेट का कॉलम नहीं होगा। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, आपने कौन सा पॉइंट देख लिया, कुछ और लेजर देख लिया होगा बेशक, नहीं होगा डेट का कॉलम। सिंपल तरीके से यहां देखो आप बुक के अंदर क्या है, बुक के पॉइंट्स को इग्नोर, आप इसको देखो, ये समझाया है, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन दूंगा कि ये करो, नहीं होगा तब समझना कि हमें नहीं आता, एक बार में आंसर आएगा आपका। अब हमें बस, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि परचेज, परचेज आपको पता है कि नेचर एक्सपेंस है, तो ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट में लिखेंगे। सेल्स क्रेडिट में जाएगा। बिल्डिंग, बताओ बिल्डिंग कहाँ लिखें? नेचर एसेट्स है तो डेबिट। डेटर, डेटर कहाँ जाना चाहिए? डेटर का नेचर क्या होता है? एसेट्स, डेबिट जाएगा। डेटर के बाद क्रेडिटर। बैंक से लोन लिया है, तो देखो आपको खुद पता है कि कौन से बैलेंस कहां जाना चाहिए। बैंक से लोन लिया के इसके बाद सैलरी खर्चा, इसलिए आप इसे डेबिट बोल रहे हो। इसके बाद कमीशन पेड,
डेबिट। इसके बाद मैं अगर बोलूं कैपिटल, लाइबिलिटी होता है, दैट्स वाई क्रेडिट। मैं बोलता हूं सेल्स रिटर्न, क्योंकि सेल्स होता है क्रेडिट, और सेल्स रिटर्न उसको कम करेगा, तो क्रेडिट वाले को कम करेंगे तो क्या होगा हमारा, डेबिट। सेल्स रिटर्न के बाद परचेज रिटर्न, क्रेडिट। यानी आपको मैं और भी काफी सारी इंफॉर्मेशन बताऊं तो आप इजीली ट्रेस कर सकते हो, बता सकते हो कि भाई उसे डेबिट में लिखना चाहिए क्रेडिट। जैसे स्टेशनरी डेबिट, बेड डेट्स खर्चा है डेबिट, डेप्रिसिएशन डेबिट जाएगा हमारा। इसके बाद रेंट रिसीव क्रेडिट, क्योंकि इनकम है। इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, इनपुट जीएसटी, एसेट्स होता है डेबिट करते हैं, आउटपुट जीएसटी, यानी जो जर्नल एंट्री में करते थे ना डेबिट क्रेडिट, वही यहां पे करना पड़ेगा। इसके लिए कोई आपको स्पेसिफिक नॉलेज नहीं चाहिए। सिंपली जब हम करेंगे तो फाइनली हमारा क्या होगा, ये साइड और ये साइड ऑटोमेटिक बराबर आ जाएगा। ये डेबिट वाला साइड और क्रेडिट वाला साइड हमारा अपने आप बराबर आ जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। यही हमारा ट्रायल बैलेंस है। तो ट्रायल बैलेंस क्या है, हमारा समरी ऑफ लेजर है। तो लेजर का तो आंसर आपको इस चैप्टर में गिवन होगा। तो जो डेबिट होना है हम उसे डेबिट लिखेंगे, और जो क्रेडिट होना है क्रेडिट, दोनों साइड को टोटल करेंगे सही तरीके से, और हमारा क्या होगा, दोनों साइड का बैलेंस लास्ट वाला टैली हो जाएगा। फिर क्वेश्चन रेज होता है, सर कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि बैलेंस टैली ना हो, तब क्या करेंगे? तो देखो, मान लो मैंने यहां कैपिटल नहीं दिखाया, तब तो टैली नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस बिना कैपिटल के स्टार्ट तो हो ही नहीं सकता। मैंने कैपिटल नहीं दिखाया, तो जब हम टोटल करेंगे तो इधर का टोटल ज्यादा होगा। जैसे मान लो इधर का टोटल आया मेरा 10,000, और बट ऑब्वियस है कि इधर का टोटल कम होगा। रीजन कम होने का इसलिए क्योंकि कैपिटल तो मैंने दिखाया ही नहीं है। तो यही टोटल हम इस साइड दिखाएंगे 10,000, यही टोटल 10,000 इस साइड दिखाएंगे, और यहां से बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। और अब इसमें बैलेंसिंग फिगर बीआरएस में तो बहुत सारा निकाला है, तो इसमें से सब माइनस करके बैलेंसिंग फिगर, और जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा बिकॉज ऑफ कैपिटल नहीं गिवन, तो क्या अजम्पशन लेंगे, क्या होगा, कैपिटल। और कैपिटल लिख के उसको हम बैलेंसिंग फिगर दिखा देंगे। तो सिर्फ कब, जब अगर मान लो कैपिटल नहीं दे रखा तो इस साइड में बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, और वो क्या माना जाएगा, क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर जो निकला है वो क्या है, हमारा कैपिटल है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपका कैपिटल नहीं गिवन। ठीक है, तो आपका क्या है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में सारा डेबिट क्रेडिट लिखोगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसा भी हो सकता है जिसका मिसमैच हो। मिसमैच होगा तो मान लो क्रेडिट साइड अगर कम आ रहा है, तो क्रेडिट साइड अगर कम आ रहा है तो आपको चेक करना होगा कि भाई जब क्रेडिट साइड मेरा कम आ रहा है तो क्या कैपिटल है क्रेडिट साइड में। अगर क्रेडिट साइड में कैपिटल नहीं है तो इसका मतलब इसी वजह से हमारा क्रेडिट साइड क्या आ रहा है, कम। तो कितना कैपिटल होगा, बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, अब एक तो ये पॉइंट हो गया, मैंने यहां पे दो पॉइंट्स में बांट दिए इसको। व्हेन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक इज नॉट गिवन, कब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों नहीं गिवन, तब तो ये करेंगे। लेकिन अगर ओपनिंग स्टॉक देता है तो हमें ओपनिंग स्टॉक को डेबिट साइड में दिखाना चाहिए। ठीक है, अब क्वेरी ये आता है कि सर ये नोट किस बात के लिए लिखा है, नोट को क्या करना है। ये किसका फॉर्मेट था, हमारा ट्रायल बैलेंस का। अब नोट की बात करते हैं कि इस नोट की हेल्प क्या लेंगे और कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं ये समझेंगे कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है और ओपनिंग स्टॉक क्या होता है। सपोज करो आज जो डे है वो क्या है, हमारा थर्सडे। थर्सडे को मेरे पास स्टार्टिंग में मान लो मेरा काम है टी शर्ट बेचने का, मेरे पास 100 टी शर्ट है। मैं थर्सडे मार्केट गया और टी शर्ट बेचने के लिए गया, और 100 टी शर्ट था मॉर्निंग में मेरे पास, और शाम तक मैंने जब बेचा तो 90 टी शर्ट बिक चुके हैं। कितना था मेरे पास, 100, जिसमें से कितने बिक चुके हैं, 90। तो मेरे पास अभी भी बच गया, इसी को स्टॉक बोलते हैं।
अब डिपेंड करता है कि ये स्टॉक तो एंड में बचा है, तो इसको कौन सा स्टॉक बोलेंगे, क्लोजिंग। थर्सडे के बाद मैं फ्राइडे मार्केट भी जाऊंगा और फ्राइडे मार्केट में भी मैं दुकानदारी करूंगा। तो फ्राइडे मार्केट में जब जाऊंगा तो मेरे पास पुराने वाला कुछ सामान बचा है, वो कितने यूनिट है, 10। तो जो फ्राइडे को जाएंगे तो यही क्लोजिंग स्टॉक, फ्राइडे को मैं क्लोजिंग स्टॉक नहीं बोलूंगा, ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक में क्या फर्क है? फर्क यही है कि कल का बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक आज क्या बन जाएगा, ओपनिंग। और स्टॉक क्या होता है, बचा हुआ माल जो गोडाउन में होता है। तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है, आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक भी दे देता है और ओपनिंग स्टॉक भी दे देता है। तो हम कैसे ट्रीटमेंट करें इसको? जब कभी भी आपको क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दोनों दे दे, जब कभी भी आपको क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दोनों दे दे, तब देखो मैंने नोट क्या लिखा है, व्हेन क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक गिवन इन द, देन जब हमें क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दे दिया जाता है, देन वी विल बी रिकॉर्ड ओनली ओपनिंग स्टॉक। हम क्या करेंगे, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक को लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि वो परचेज में इंक्लूडेड होता है। वो किस में इंक्लूडेड होता है, हमारा परचेज में। अब बोलोगे सर ये परचेज में कैसे इंक्लूडेड होता है, अब देखो कैसे। क्योंकि मान लो, ध्यान देना, मान लो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है 100 यूनिट और मैंने परचेज किया है 200 यूनिट। परचेज कितना किया मैंने और टोटल मेरे पास कितना था, 100। टोटल स्टार्टिंग में 100 था ओपनिंग स्टॉक और परचेज किया है 200, तो 300 हो गए ना। मैंने बेच दिया और बेचने के बाद मेरे पास 20 यूनिट बचा हुआ है, तो ये तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ठीक है। अब ओपनिंग स्टॉक को मैंने डेबिट कर दिया, ओपनिंग स्टॉक को मैंने क्या करा, डेबिट कर दिया, परचेज को मैंने डेबिट कर दिया। अब जो ये 20 रुपए बचा होगा वो इसी में से तो 20 रुपए का बचा होगा, 20 यूनिट इसी में से, परचेज में से तो 20 यूनिट बचा होगा, सोचो। क्योंकि मैंने बोला कि भाई मेरे पास टोटल 300 है और 300 में से 280 तो बिक चुके हैं, तो बचे कितने? अब 20 किस में से बचा होगा, या तो ओपनिंग स्टॉक से बचा होगा या फिर परचेज से, दोनों में से किसी में से बचा होगा। अगर मैं बोलते हो परचेज में बचा है, मेरे क्वेश्चन के बीच में आ गया क्लोजिंग स्टॉक भी, मेरे क्वेश्चन में क्या आ गया, क्लोजिंग स्टॉक भी, मेरे क्वेश्चन में क्या आ गया, ओपनिंग स्टॉक भी, मेरे क्वेश्चन में आ गया परचेज भी। परचेज कहां दिखाएंगे बताओ, डेबिट साइड 200 यूनिट दिखा देंगे। ओपनिंग स्टॉक कहां दिखाएंगे, डेबिट साइड 100 यूनिट दिखा देंगे। अगर क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स होता है, अगर मैं उसको भी दिखा दूं, तो देखो डेबिट साइड पता है कितना दिखा दोगे, 100, 200 और 20। यानी इसका मतलब ये दो बार नहीं दिखा दिया आपने 20, क्योंकि ऑलरेडी परचेज के अंदर ये 20 जुड़ा हुआ ही है, और एक बार और क्लोजिंग स्टॉक आप शो कर रहे हो, तो इसका मतलब डबलिंग हो गया, तो आपका टोटल 320 हो रहा है, तो यानी गलत है। तो यानी जब कभी भी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक आपको देगा एग्जामिनर क्वेश्चन में, दोनों जब देगा ओपनिंग और क्लोजिंग, तो ओपनिंग स्टॉक को तो दिखाएंगे और परचेज को भी दिखाएंगे, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर देंगे, इग्नोर। इग्नोर का मतलब उसको कुछ भी नहीं करना, छोड़ देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे तो वो डबल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी किस में इंक्लूडेड है, वो परचेज में इंक्लूडेड है या फिर ओपनिंग में भी इंक्लूडेड हो सकता है। क्लियर? तो वही नोट्स लिखा है मैंने यहाँ पे। नोट क्या लिखा है, व्हेन क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक गिवन इन द क्वेश्चन देन वी विल बी रिकॉर्ड ओनली ओपनिंग स्टॉक। समझ में आया ऐसा क्यों बोला गया, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। चलिए ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ओपनिंग स्टॉक। दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, चैप्टर खत्म। दूसरा, कई बार क्या होता है, हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन हो और क्लोजिंग, और साथ के साथ एक और चीज गिवन होता है, और वो क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या चीज है ये समझेंगे। हालांकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है, देखो हम आगे भी डिटेल में इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देखो। कॉस्ट मतलब कीमत, गुड्स मतलब माल, सोल्ड मतलब बेचना। कीमत जो सामान आपने बेचा है, कितने का बेचा है ये नहीं, जो बेचा वो उसकी कीमत क्या है ये बताना। 10 रुपए का मार्कर मैं 12 रुपए में बेच देता हूं, तो जो 12 रुपए में बेचा गया उसकी कीमत क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 10 रुपीज।
₹1,000 का सामान मैं ₹1,500 में बेच रहा हूं तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है? 1,000। ठीक है, तो कॉस्ट मतलब कीमत, गुड सोल्ड जो सामान बेचा गया उसकी कीमत क्या है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, कॉस्ट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी बोल देते हैं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसमें क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसका फॉर्मूला ये है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालेंगे तो वो अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें क्वेश्चन में गिवन है तो ओपनिंग स्टॉक तो परचेज में ही एडिड है। अगर मैं आपको परचेज ना देके परचेज के अलावा क्या दे दूं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे दूं, तो उसका मतलब परचेज में ओपनिंग स्टॉक एड है या नहीं है? है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक एड नहीं है, यही मतलब हुआ इसका। तो जब कभी भी आपको, मान लो मैंने दे दिया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ COGS मान लो मैंने दे दिया ₹1,000, तो बताओ इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक जुड़ा होगा, परचेज भी जुड़ा होगा। और मैं अब आपको दे रहा हूं ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दे दिया मैंने 500, तो बताओ परचेज कितना है निकाल पाओगे आप? या 500 की जगह पे मैं 100 कर देता हूं, कम कर देता हूं, ओपनिंग स्टॉक 100 है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है हमारा? तो आप मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे बना, पर ओपनिंग स्टॉक को जोड़ करके। अगर मैं आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,000 दे रहा हूं और स्टॉक में 100 दे रहा हूं, तो परचेज कितना होगा? 900। कैसे? 1,000 इन दोनों का जोड़ है, और अगर ये 100 है, ये क्या है हमारा ओपनिंग स्टॉक 100, इन दोनों का जोड़ 1,000, तो परचेज तो निकल सकता है ना, तो परचेज कितना होगा? परचेज 900 होगा, सिंपल। फिर दोबारा देखो, अगर मैं ओपनिंग स्टॉक बोल दूं 600, तो परचेज कितने होगा? समझ में आ रहा है 400 कैसे होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ है। अब मैं आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दे देता हूं, सपोज करो क्लोजिंग स्टॉक 300, क्या ये इसमें जुड़ा हुआ है? अब तीन इंफॉर्मेशन गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, तीन इंफॉर्मेशन गिवन है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी एडिड है? अगर मैं यहां पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखता हूं, यहां पे सपोज करो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारा डेबिट होता है, मैंने लिख दिया 1,000, क्या मैं ओपनिंग स्टॉक को भी लिख दूं यहां पे 600 डेबिट साइड में? अगर मैंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,000 लिखा है तो क्या मैं ओपनिंग स्टॉक भी दिखाऊं, या मैं दिखा चुका हूं? दिखा, तो यानी ओपनिंग स्टॉक को तो मत दिखाओ भाई, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी एडिड है। किसमें एडिड है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में। अगर मैंने इस बार अगेन ओपनिंग स्टॉक दिखा दिया तो क्या हो जाएगा, हमारा डबल अमाउंट हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक का, ठीक है। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक क्या इसमें एडिड है? क्लोजिंग स्टॉक क्या हमें दिखाना चाहिए? एसेट्स होता है ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग भी एसेट्स एक तरीके, तो क्या हमें दिखाना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक को? यस, क्योंकि अब क्लोजिंग स्टॉक परचेज में जुड़ा हुआ, क्योंकि माइनस कर दिया है मैंने, अब एसेट्स है ना, तो दिखाना चाहिए। तो अब देखो क्या लिखा है, व्हेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन देन वी विल बी रिकॉर्ड क्लोजिंग स्टॉक, तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड ओपनिंग स्टॉक विल बी, क्यों इग्नोर करा भाई? क्योंकि पहले से एडिड है, किस में एडिड है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में एडिट है, दोबारा दिखाएंगे तो डबलिंग अमाउंट हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आएगा, ओपनिंग स्टॉक, अगर सिर्फ क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ही गिवन और कुछ नहीं गिवन, वो तो डेबिट ही होना है, ठीक है। क्वेश्चन में सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो मत करना कुछ भी, क्योंकि वो परचेज में एडिड है, ठीक है। अगर सिर्फ ओपनिंग स्टॉक गिवन है तो डेबिट हो जाएगा, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो इग्नोर। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ गिवन है तो ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे क्लोजिंग को, लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक तीनों गिवन है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डेबिट करेंगे,
क्लोजिंग स्टॉक को भी डेबिट करेंगे। अब किसको इग्नोर कर देंगे? ओपनिंग। क्या रीजन है? क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एडेड है। दोबारा देखो, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक हुआ तो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि परचेज में ऐड है ना। देखो, परचेज 10,000 था और मैंने बोला भाई 400 बच गए हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक है 400, तो परचेज 10,000 का जब आप दिखा ही रहे हो तो इसमें 400 जुड़ा हुआ नहीं है क्या? जुड़ा हुआ है। आपके मैंने बोला कि आपके पास 10,000, या सिंपल अमाउंट ले रहा हूं, मान लो 100, मैंने परचेज 100 किया, इसमें से बेच दिए 90, तो बचे कितने? 10। यानी मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 10। परचेज कहां दिखाओगे आप? दिखा दिया परचेज, कितना दिखा दिया? अब क्लोजिंग स्टॉक भी 10 दिखा दोगे तो दो बार नहीं हो गया, डबल हो गया ना वो। तो इसलिए जब कभी सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन होगा तो हमने परचेज दिखा दिया, दैट्स वाई क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाएंगे। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों गिवन है तो परचेज में तो क्लोजिंग होता ही जुड़ा हुआ है, सिर्फ कौन सा स्टॉक दिखाएंगे? ओपनिंग और परचेज को तो दिखाते ही हैं। लेकिन ओपनिंग, क्लोजिंग और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तीनों गिवन है तो ओपनिंग को नहीं दिखाना, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में एडेड है। लेकिन क्लोजिंग को दिखाना पड़ेगा क्योंकि माइनस हो चुका है, क्योंकि मैंने परचेज में से क्या कर दिया है। अगर मैं यही चीज आपको ऐसे बताता ना, देखो कि परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक इज 1,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक 80, तो अब बताओ परचेज 1,000 दिखाएंगे, क्या इसमें क्लोजिंग स्टॉक जुड़ा होगा? मैंने बोला परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक करने के बाद हमने परचेज किया है कितना? 100, और क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है? 80। तो अब मुझे 100 पूरा दिखाना है, और क्या क्लोजिंग स्टॉक इसमें ऐड है? नहीं है। मैंने क्या बोला? परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। आप कॉन्सेप्ट को समझो, मैं बोल रहा हूं भाई, मैं आपको परचेज बता रहा हूं लेकिन क्लोजिंग स्टॉक इसमें एडेड नहीं है, तो भाई परचेज भी दिखाओ और क्लोजिंग स्टॉक को भी दिखाओ, क्योंकि परचेज में क्लोजिंग स्टॉक एडिड तो नहीं है। मैंने सिर्फ बोला परचेज और क्लोजिंग स्टॉक, तो ये अजम्पशन है कि उसी परचेज में क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? जुड़ा हुआ होगा, इसलिए हम क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं? इग्नोर। और एग्जाम्पल देखो आप, अभी भी कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, मैंने लिखा परचेज, परचेज 2,000, 2,000 यूनिट परचेज किया, या 2,000 रुपए का परचेज किया, ठीक है। अब मैंने बोला लेस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है मेरे पास? या फिर मैंने सोल्ड कर दिया, सोल्ड कर दिया मैंने 1,800 यूनिट, कितने बच गए? इस 200 को क्या नाम दे दूं? क्लोजिंग स्टॉक। अब मैं दोबारा बता रहा हूं, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे टर्म्स में डिफाइन कर रहा हूं, एडजस्टेड परचेज, एडजस्टेड परचेज 1,800। इसका मतलब क्या होता है पता है? कि ये जो परचेज है इसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, क्योंकि और एंड क्लोजिंग स्टॉक 200। अब बताओ मुझे एडजस्टेड परचेज, यहां मैं 1,800 दिखाऊंगा तो क्या मैं क्लोजिंग स्टॉक को भी दिखाऊंगा या नहीं दिखाऊंगा? क्या एडजस्टेड परचेज में क्लोजिंग स्टॉक जुड़ा हुआ है? तो ये दिखा दिया, क्लोजिंग स्टॉक नहीं जुड़ा हुआ, क्लोजिंग स्टॉक तो भाई एसेट्स होता है, तो क्या करो? दिखाओ परचेज, ये एडजस्टेड परचेज नहीं है, तो क्या इसमें स्टॉक 1,000 में 2,000 में जुड़ा हुआ है? क्योंकि इसी से तो क्लोजिंग बचा है मेरा, तो इसी में जुड़ा हुआ है, तो आप सिर्फ परचेज दिखाएंगे और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अगर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों हुआ तो कौन सा दिखाना है बताओ? ओपनिंग। क्लोजिंग को इग्नोर, क्यों भाई इग्नोर? परचेज में एडिड है वो। अगर आपका सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक हुआ तो नहीं दिखाएंगे, क्यों? क्योंकि परचेज में एडिड होगा। लेकिन एडजस्टेड परचेज और क्लोजिंग स्टॉक हुआ तो दिखाएंगे, क्योंकि परचेज में से माइनस हो चुका है। अगर आपका ओपनिंग स्टॉक और परचेज हुआ तो क्या ओपनिंग स्टॉक को दिखाएं? क्या ओपनिंग स्टॉक में परचेज जुड़ा हुआ होता है? नहीं होता। ओपनिंग स्टॉक कब का होता है? तो पिछले दिन का है, परचेज आज के दिन का है, तो उसमें जुड़ा हुआ तो है नहीं, तब ओपनिंग स्टॉक भी दिखाएंगे। और अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों है तो सिर्फ ओपनिंग,
ओपनिंग और परचेज है तो दोनों दिखाएंगे, परचेज और क्लोजिंग है तो सिर्फ परचेज दिखाएंगे, क्लोजिंग नहीं दिखाएंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक तीनों गिवन है। तो बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में तो ओपनिंग क्लोजिंग माइनस है तो क्लोजिंग दिखाएंगे। यही चीज मैंने यहां नोट्स में डिफाइन कर दिया, जो मैंने नोट लिखा है यहां पे, इस नोट के अंदर मैंने क्या करा, इसी चीज को एक्सप्लेन किया है। समझो पहला पॉइंट किस बारे में बताता है, जब क्या गिवन हो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो क्या रिकॉर्ड करेंगे, ओपनिंग। दूसरा कहता है जब तीनों गिवन हो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्लोजिंग एंड ओपनिंग, तो ऑनली रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड क्लोजिंग। और दो मैंने यहां नोट नहीं लिखा, जो मैंने आपको बताया, अगर ओपनिंग स्टॉक और परचेज है क्या दोनों लिखेंगे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक भी है और परचेज भी है, क्या दोनों को लिखना पड़ेगा? बिल्कुल दोनों को लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं होते। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक है सिर्फ और परचेज है, तो क्या लिखेंगे दोनों को? सिर्फ परचेज लिखेंगे, क्योंकि उसके अंदर एडिड है। लेकिन अगर एडजस्टेड परचेज है और क्लोजिंग स्टॉक है तो दोनों लिखा जाएगा। बाकी बस क्लोजिंग स्टॉक में थोड़ा सा पॉइंट था ट्रिकी, बाकी सैलरी, वेजेस, कैरेज, कैरेज आउटवर्ड, कन्वेंस, जो इसका नेचर है और जो इसका साइड होता है वही शो हम क्वेश्चन में कर देंगे। यहां तक क्लियर है? चलिए अब फटाफट से आप इनको नोट करिए और इसके बाद फिर हम इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। पे ध्यान देना आप, अभी तक जो क्वेश्चन किए हमने, ट्रायल बैलेंस का पूरा कॉन्सेप्ट देख लिया, अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। कई बार आपको एग्जामिनर, एक बात और मैं क्लियर कर दूं, कई बार एग्जामिनर आपको इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस देगा, यानी आपको ट्रायल बैलेंस पहले से बना के देगा, बट वो गलत ट्रायल बैलेंस बना के देगा। तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि अरे गलत ट्रायल बैलेंस बना के दे दिया है। आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, वहां पे सही बनाना है। सही बनाने का मतलब आपको उस गलत ट्रायल बैलेंस के सोचना ही नहीं है गलत है, आपको उसमें से इंफॉर्मेशन निकालना है, और उस इंफॉर्मेशन को, जैसे डेटर है वो कहाँ लिखा हुआ है, डेबिट में, क्रेडिट में, उससे मतलब नहीं है। डेटर हमें पता है एसेट्स होता है, डेबिट में आएगा, डेबिट में लिखना है। सेम उसी पे डिपेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। देखो एक बार, कहता है प्रिपेयर करेक्ट ट्रायल बैलेंस, तो आप अपने माइंड से ये बात तो निकाल दो कि आप कुछ ठीक ठाक करोगे क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन जैसा है चलने दो। हाँ, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस विच आर दे सर्टेन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1.5 लाख रुपए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट में आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट देखो, क्लोजिंग स्टॉक, जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन हो तो क्या क्लोजिंग स्टॉक को लिखेंगे? अभी नोट लिखवाया मैंने, देखो, जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन हो तो क्या क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाएगा? नोट लिखवाया ना रजिस्टर में, देखो। कुछ बच्चे नो कह रहे हैं, पता नहीं क्या आपने नोट किया है, होशो आवाज में नोट करो, उसमें क्लियर लिखा है व्हेन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज गिवन, तो हमें क्लोजिंग स्टॉक लिखना है, ओपनिंग को इग्नोर करना है। डेटर, डेटर कितने का है हमारा, 60,000। अब ये कहां देते हैं हमें नहीं मतलब, हमें तो पता है कि डेटर डेबिट होगा, डेटर के बाद क्रेडिटर, क्रेडिटर कहां लिखे बताओ, क्रेडिट में 30,000, क्रेडिटर के बाद फिक्स एसेट्स कहां लिखे, डेबिट, अमाउंट क्या है हमारा 50,000, फिक्स एसेट्स के बाद ओपनिंग स्टॉक क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। अभी नोट लिखवाए, जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक गिवन होता है तो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को लिखते हैं और ओपनिंग स्टॉक को क्या कर देते हैं, इग्नोर, तो नहीं लिखेंगे। इसके बाद एक्सपेंस कहाँ जाएगा, ये डेबिट में, अमाउंट क्या है हमारा एक्सपेंस 20,000, एक्सपेंस के बाद सेल्स है, कहाँ जाएगा सेल्स, अमाउंट क्या है 2 लाख, कैपिटल कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड, अमाउंट क्या है
90,000। तो इसमें देखो डेबिट दे रखा है, हमें इससे नहीं लेना देना। हमें अपना कॉन्सेप्ट पता है कि भाई कैपिटल तो क्रेडिट होता है, तो हमें तो क्रेडिट करना है। बुक वालों ने क्या करा नहीं करा उससे मतलब नहीं है। अब हम टोटल कर लेते हैं, टोटल क्या होगा हमारा, 2 लाख और 3 लाख 90 हजार, 20,000। इसका भी टोटल क्या आ जाएगा देख लो आप, 2 लाख, 3 लाख 20 हजार, और दोनों साइड टोटल आ गया 3 लाख। लेकिन आपको एग्जामिनर ने पहले से भी ट्रायल बैलेंस बना के दे रखा है, इट इज ऑल्सो ट्रायल बैलेंस बट इनकरेक्ट। इसका टोटल क्या आ रहा है, 3 लाख। इससे एक बात और प्रूफ हो जाता है कि ट्रायल बैलेंस मैच हो जाना 100% एक्यूरेसी लेजर और जर्नल का है, ऐसा नहीं होता। यहां भी ट्रायल बैलेंस मैच हो गया जबकि मैंने गलत सलत एंट्री करा है। तो अगर लेजर में भी गलती होगा तब भी कई बार मैच हो सकता है, तो इसलिए 99% मान के चलो एक्यूरेसी पता चलता है, 1% मिस्टेक में नहीं पता चलता। अब एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं। मान लो यहां पे इस साइड का टोटल ज्यादा होता और हम इस साइड कम आ रहा होता, तो मैं इस साइड को इधर लिख दूंगा और इस साइड अगर बैलेंसिंग फिगर निकले, अगर इन केस ऑफ, तो मैच करते हैं हम सस्पेंस से। अब ये सस्पेंस क्या होता है, देखो जनरली देखा जाए तो हम जनरल एंट्री करते हैं, जनरल एंट्री के बाद लेजर करते हैं, जनरल एंट्री के लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस करते हैं, और ये सब बनाने के लिए हमें दिया जाता है 3 से 4 महीने का वक्त। और ये हम इसलिए बनाते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ताकि हम टैक्स गवर्नमेंट को पेड कर पाए, होता है एक ऑब्जेक्टिव, पेमेंट कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। तो जब टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो गवर्नमेंट का ना हर एक साल में एक डेडलाइन होता है। डेडलाइन का मतलब अंतिम तारीख, लास्ट डेट, किस चीज का, टैक्स को जमा करने का। अगर उस अंतिम तारीख, उस लास्ट डेट के बाद हम सरकार को टैक्स जमा करवाएंगे तो सरकार हमसे फाइन, पेनल्टी और जेल भी भेज सकता है मुझे, इतने पावर है गवर्नमेंट के पास। जैसे कि अभी मैं बताऊं कौन वो कौन कौन सी तारीख है, वो 2 तारीख होता है अगर कोई कंपनी है तो उसके लिए, या पार्टनरशिप फर्म है तो उसके लिए, उन दोनों के लिए लास्ट डेट होता है 30 सितंबर, 30 सितंबर ऑफ ईच ईयर, हर साल के 30 तारीख तक भेज दो। अगर 30 तारीख तक आपने नहीं भेजा तो 1 लाख रुपए या 1 लाख रुपए दिन के हिसाब से भी फाइन ले सकता है गवर्नमेंट, ऐसा प्रोविजन डला हुआ है। और अगर आप इंडिविजुअल हो, सोल प्रोप्राइटरशिप इंडिविजुअल, तो आपके लिए 31/7 का लास्ट डेट होता है। अगर आप नहीं भरोगे तो आपके ऊपर, छोटे व्यापारी हो तो आपके 5,000 रुपये फाइन लगाया जा सकता है या उससे ज्यादा भी लग सकता है। 5,000 तो लिखा हुआ है, और भी प्रोविजन हो सकता है कोई मिस्टेक, फ्रॉड में पकड़े गए तो। अगर मैं कंपनी हूं तो मेरे माइंड में चलता रहेगा भाई 30 सितंबर तक तो टैक्स जमा कर दो, अगर नहीं जमा करा तो फाइन देना पड़ेगा। तो 30 सितंबर, मान लो मैं ट्रायल बना रहा हूं, बैलेंस शीट बना रहा हूं, सब कुछ बनाना है मुझे, और अल्टीमेटली लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। और प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाएं, जब तक ये नहीं बनेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनेगा, क्योंकि इसी की मदद से हम प्रॉफिट एंड लॉस को बनाएंगे। बिना इसके तो प्रॉफिट एंड लॉस बन ही नहीं सकता, बिना इसके बैलेंस शीट बन ही नहीं सकता, क्योंकि प्रोसेस ही कहता है। सबसे पहले हमारा बनता है जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके हेल्प से ये, इसके हेल्प से ये, इसके हेल्प से ये चेन है, पूरा प्रोसेस है। अब मान लो आज है 29 सितंबर, अब 10 बज गए रात, 12 बजे के बाद तो 1 अक्टूबर आ जाएगा सपोज करते हैं, तो 12 बजे से पहले पहले मुझे टैक्स जमा करना है, नहीं, और जमा कब कर पाएंगे, जब हमारा पीएनएल बन जाएगा। लेकिन हमारा ट्रायल बैलेंस ही मैच नहीं हो रहा तो पीएनएल भी गलत ही आएगा, तो हम अभी पता नहीं चल रहा, तो हम पेनल्टी से बचने के लिए क्या करते हैं, मैं यहां सस्पेंस लिख के फटाफट मैच कर दूंगा, यानी मैं सरकार को बता दूंगा जी हमने ये अकाउंटिंग में कुछ गड़बड़ी है जिसका हमें अंदाजा नहीं लग पा रहा अभी जल्दबाजी में, और हमने सस्पेंस लिख दिया है, इसको बाद में ढूंढ के हम ठीक कर लेंगे। गलती डेबिट में ही है ना,
तो डेबिट में सस्पेंस से लिख के मैच कर दिया है, बाद में ढूंढ के ठीक कर लेंगे। और जब ये दोनों मैच हो जाएगा तो सस्पेंस लिख के मैच तो कर दिया, अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बन जाएगा और फटाफट सरकार को टैक्स पेड कर देंगे। तो सस्पेंस का मतलब क्या होता है, अभी हमें डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में जो मिसमैच है पता नहीं चल पा रहा, इसलिए मैं सस्पेंस लिख रहा हूं, इसको बाद में तसल्ली से ढूंढ लेंगे। अभी हम फिलहाल जो मेन काम है उस काम को टैक्स को डिपॉजिट करके खत्म करते हैं। तो इसलिए आपका एक चैप्टर भी है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसमें सस्पेंस क्यों लिखा जाता है और कब लिखा जाता है उसमें वो सीखते हैं। तो यहां पे सस्पेंस लिख देंगे, मैंने क्या बताया, मान लो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट में डिफरेंस आ रहा है, तो आप किससे मैच करके इसको मैच कर सकते हो, सस्पेंस से। सपोज करो डेबिट का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट में कम आ रहा है और कैपिटल पहले से दे रखा है, तो बताओ किससे मैच करेंगे, अगेन सस्पेंस से। अगर कैपिटल नहीं है तो कैपिटल, और कैपिटल भी दे रखा है तो किससे मैच कर देंगे, सस्पेंस। लेकिन आप कुछ स्टूडेंट इसको ले जाते हैं गलत वे में, आंसर नहीं आ रहा सस्पेंस डालो हमारा आंसर ठीक है, ऐसा नहीं होगा। बुक के अंदर जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर सस्पेंस वाला क्वेश्चन होना चाहिए। आप टोटली गलत कर रहे हो, मिसमैच हो रहा है, आपने सोचा हम तो सस्पेंस डाल देंगे हमारा तो ठीक हो जाएगा, तो वो काम नहीं चलेगा। आपके बुक में सिर्फ दो या एक क्वेश्चन है सस्पेंस वाला, वो करना है। बाकी ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12, गलत ट्रायल बैलेंस को सही, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन ये वाला बोर्ड पे कर दिया। अब इसको आप नोट करिए, और आप इस बुक के अंदर कितने क्वेश्चन होमवर्क में करेंगे, 4 से लेके 11 तक के क्वेश्चन सारे होमवर्क में करेंगे। इसके साथ साथ जब क्वेश्चन देखोगे तो वहां लिखा होगा कमीशन क्रेडिट, तो कमीशन क्रेडिट मतलब व्हाट, कमीशन रिसीव किया है तो उसे आप भी क्रेडिट में दिखा देना। लिखा हो सकता है डिस्काउंट डेबिट, तो डिस्काउंट डेबिट मतलब आपको भी कहां दिखाना है, डेबिट में दिखाना है, ठीक है। चलिए अब आप नोट कर लिए, ट्रायल बैलेंस का आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया विदाउट लेजर बनाए हुए। जब आपको ये सारी जो इंफॉर्मेशन दे रखी थी पहले से, लेजर का आंसर आपको, लेजर का आंसर क्या कर रखा है इन्होंने, दे रखा है, फिर हमने ट्रायल बैलेंस बनाया है। तो सिंपल तरीके से खत्म हो गया, कोई डाउट, क्लियर। अब नोट करिए और ये होमवर्क रहेगा।